ये अजंता घाट है दोस्तों, रात में एक्सीडेंट हुआ तो हमको खबर लगी तो हम यहाँ पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। पता चला था कि घाट में एक्सीडेंट हुआ, बहुत सी जगहों से फोन आए तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, घाट में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी नॉर्मल हुआ भी हुआ तो नॉर्मल हुआ हुआ चल गए अपने अपने घर। तो जहाँ भी हमारे भोकरदन के सभी लोग परेशान हो रहे, सिल्लोड से फ़ोन आ रहे, तो तमाम से मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप परेशान मत हो, हमने पूरा घाट में पूरा देख लिया, कहीं से कहीं तक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमने फरदापुर पुलिस स्टेशन जाके भी पूछे, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, वहाँ भी कोई मालूम नहीं। तो ये आपको हमने जानकारी दी, तो आप परेशान मत हो। बहुत से फ़ोन कर रहे भाई, वो भी बोले झूठी बातें नहीं करना चाहिए। उन लोगों से मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है भाई, किसी के घर का कोई बंदा रहता उसके दिल को बहुत तकलीफ होती है, वो हर अभी कैसा ईद का मौका है, हर लोग परेशान हो जाते हैं, तो सभी लोग परेशान हो गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक तो घाट में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये आपको हमने अपडेट दिए, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम टी पॉइंट पर आइए, जो टी पॉइंट है यहाँ है, ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है, ये घाट के मेन चौपली में जो आपको गाड़ी भी नज़र आ रही जाती है। लास्ट में हम घाट के एंड में हमारे फारूक भाई भी मिले थे हमको, फारूक भाई से भी हमने बात की, तो फारूक भाई भी बोले कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो चलते हैं अभी दोस्तों, थोड़ा सा घाट का भी वीडियो बता देंगे आपको। बहुत से फोन आ रहे हैं कि घाट में एक्सीडेंट हुआ, क्या बोलना चाहिए, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए। अभी सभी लोगों के फोन आ रहे हैं, मुझे भी फोन आया था, हम घर पे थे, आरिफ भाई को मैंने फोन मारा, आरिफ भाई खाना खाते बैठे थे, आरिफ भाई तोड़ आए अजंते में ऊपर, हम यहाँ से सरकारी दवाखाने में गए, वहाँ से पूछे तो उन्होंने बोले कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ घाट का, हमें पता नहीं। फिर हम घाट में आए, फिर घाट में पूरा चेकिंग करे तो अभी तक पता नहीं चला का एक्सीडेंट हुआ, अपन फोन कंटिन्यू चले हमको कि एक्सीडेंट हुआ। ये देखो रियान भाई, ये घाट में चढ़ रहा मैं अभी, उधर से पुलिस वाले भी आ रहे फरदापुर से, उनको बुलाया मैंने यहाँ, और यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, पूरा घाट देख लिया मैंने, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, ये सर पूरा देख लिया हमने, देखे सामने आपको नजर आ रहा है, ये क्लियर रास्ता देखे, ये अजंता घाट है दोस्तों, रात में एक्सीडेंट हुआ तो हमको खबर लगी तो हम यहाँ पहुंचे। पर यहाँ तो कोई पूरा घाट देख लिया हमने, अपन कोई भी नहीं मिला, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ, कम मार लगा हुआ तो निकल गया उन्हें, हमको फोन पे फोन आ रहे थे तो इसलिए हम यहाँ आए, मैं और समीर भाई थे साथ में। हमारे दोस्तों ने फोन लगाए थे, पूरे घाट में देख लिया हमने, कोई भी नहीं है। तो टी पॉइंट का ना आ गया हम, जो टी पॉइंट का लास्ट टर्न है, घाट का भी लास्ट टर्न है, तो यहाँ से अजंता की जो 4 किलोमीटर की दूरी पे, ये रात का सीन आपको हम बता रहे हैं। इस तरफ देखिए पार्किंग है, जो इस तरफ लाइट नजर आ रहे हैं आपको, पार्किंग है इधर, तो यहाँ कोई भी नहीं है, देखिए पूरा घाट देख लिया हमने, कोई भी नहीं नजर आया। कोई भी नहीं है दोस्तों, ये टी पॉइंट है अजंता केव्स 4 किलोमीटर यहाँ से। तो दोस्तों अजंता घाट की आपको पूरी जानकारी हमने दी, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हुआ भी हुआ नॉर्मल तो वो चल गए होंगे। तो ये सभी लोग फ़ोन करके परेशान हो रहे, हमारे भोकरदन के, सिल्लोड़ के, शिवने के, और हमारे जितने भी दोस्त बिरादर भाई है, तमाम परेशान हो रहे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, हमारे भोकरदन के भाई जितने भी तमाम लोग परेशान हो रहे थे, तो उनसे भी मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये रात का वीडियो है अजंता घाट का।